समिता शेट्टी राकेश बापट ने किया ब्रेकअप। दोनों ने पोस्ट शेयर कर कहा, अब हम साथ नहीं लेकिन हमारा म्यूजिक वीडियो फैंस के लिए है। बॉलीवुड एक्ट्रेस समिता शेट्टी और राकेश बापट एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। दोनों लंबे समय से एक दूसरे को डेट कर रहे थे लेकिन अब उन्होंने अपने ब्रेकअप का ऐलान कर दिया है। दोनों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर इस बात की जानकारी फैंस के साथ शेयर की है। समिता शेट्टी ने लिखा, मुझे लगता है कि इसे क्लियर करना ज़रूरी है, राकेश और मैं अब साथ नहीं हैं और ऐसा पिछले कुछ समय से है, लेकिन ये म्यूज़िक वीडियो हमारे उन सभी प्यारे फैंस के लिए है जिन्होंने इसे इतना प्यार और सपोर्ट दिया है। अपना प्यार यूं ही बरसाते रहें, आप सभी को प्यार और आभार। आपको बता दें कि दोनों ने एक म्यूज़िक वीडियो शूट किया है जो जल्द ही रिलीज़ होने वाला है। वहीं राकेश ने अपने पोस्ट में लिखा, आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि मैं और समिता अब साथ नहीं हैं। किस्मत ने हमें बहुत अलग अलग परिस्थितियों में मिलाया था। सारा फैमिली को सपोर्ट और प्यार के लिए थैंक यू। एक प्राइवेट पर्सन होने के नाते मैं पब्लिकली अपने ब्रेकअप के अनाउंसमेंट नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे लगता है कि हमें इस बारे में अपने फैंस को बताना चाहिए। साथ ही राकेश बापट ने कहा कि मुझे पता है कि ये जानकर आपका दिल टूट जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोग हम दोनों पर अलग अलग प्यार बरसाते रहेंगे। हमें हमेशा सपोर्ट की ज़रूरत रहेगी। ये म्यूज़िक वीडियो आप सभी को डेडिकेटेड है। आपको बता दें, समिता और राकेश की लव स्टोरी की शुरुआत करण जौहर के शो बिग बॉस OTT में हुई थी। शो में कई बार दोनों को एक दूसरे से झगड़ते भी देखा गया। इस दौरान समिता ने खुलासा किया कि वो महज 18 साल की थी जब उनके बॉयफ्रेंड की डेथ हो गई थी, जिससे वो बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। तो वहीं राकेश ने भी बताया था कि पिता की मौत और रिद्धि डोगरा से तलाक के बाद उनका इन सबसे उभरना काफ़ी मुश्किल था। वैसे इस स्टोरी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, और इस तरह के वीडियोस लगातार पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें।